इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरटेल से कैसे आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप यूज करते हो और आपको अभी तक पता नहीं है कि एयरटेल थैंक्स ऐप से कैसे आप रिचार्ज कर सकते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और स्टेप बाय स्टेप देखो। तो मैं आपको बताऊँगा एयरटेल थैंक्स ऐप से कैसे आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो या किसी और का भी रिचार्ज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन करना है। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइस जैसे ही आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो तो गाइस यहां पे आपका पूरा डाटा दिखाएगा, कितना अभी खत्म हुआ है, कितना बाकी है और कितना दिन के अंदर में पूरा आपका पैक खत्म होने वाला है। तो ये बढ़िया बात होता है कि यहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हो अगर आपके स्मार्टफोन में ऊपर में नहीं शो करता है। तो गाइस अब मैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बिजली बिल पे कर सकते हो या कोई भी बिल पे कर सकते हो। उसके बाद कूपन वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और रेफर करके पैसे अर्न कैसे कर सकते हो इस पे प्रॉपर वीडियोस बना दिया हूँ कि एयरटेल थैंक्स ऐप से रेफर करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उसका लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइस हम लोग को रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है। तो गाइस यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो गाइस अब देख सकते हो यहाँ पे प्रीपेड डीटीएच और ब्रॉडबैंड और डाटा कार्ड, बट हम लोग को इन सब सारे से मतलब नहीं, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करना है। तो गाइज अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो गाइज यहाँ पे प्रीपेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही आप प्रीपेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो जो भी मोबाइल नंबर का यहाँ पे क्या करना चाहते हो, रिचार्ज करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर डालना है, अदरवाइज उनका सेव की हो, जिसका भी मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हो उनका नाम सेव की हो तो नाम डाल करके सर्च कर लेना है। उसके बाद चेंज ऑपरेटर पर क्लिक करके आप अपना ऑपरेटर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, किस चीज़ का सिम है और जो भी सिम होगा उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद कहाँ का सिम है ये भी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका जियो का है तो कहाँ का है ये सिर्फ सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों अपने सही से, बट मेरा तो एयरटेल का है और गाइस यहाँ जहाँ का है वो सब मतलब सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। और गाइस जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे अब आपको सर्च प्लान करना है। अगर आपका कोई प्लान याद है कि मतलब कि मैं 299 रुपये का रिचार्ज करता हूँ तो 299 का करूँगा, अगर नहीं याद है तो नीचे में आपको स्क्रोल करना है। अगर आपको लगता है कि नीचे में ज़्यादा स्क्रोल करना पड़ेगा तो ये रिकमेंडेड पैक है। यहाँ पे सेविंग पैक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, अगर इधर करते हो तो ट्रूली अनलिमिटेड मिल जाते हैं, यहाँ पे सारा ट्रूली अनलिमिटेड कहीं मिलेगा। उसके बाद स्मार्ट रिचार्ज मिल जाएगा, अगर केवल डाटा का करना चाहते हो तो ओनली डाटा का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद टॉक टाइम वाउचर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल रोमिंग कॉल मिल जाएगा, प्लान वाउचर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिकमेंडेड पैक है इसी में से आपको नीचे स्क्रोल करके देखना है तो आप देख सकते हो। लाइक अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे आपको कैशबैक भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, तो गाइज यहाँ पे 265 रुपये का लाइक अगर रिचार्ज करना चाहते हो तो 265 का रिचार्ज होगा, 1 GB आपको डाटा मिलेगा जो कि 28 दिन के लिए। तो गाइज आपको इस पर क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो गाइस अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सारा कुछ, SMS आपको मिलेगा 28 दिन के लिए, 1 GB अनलिमिटेड कॉल से। अगर रिवार्ड्स वगैरह देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको फ्री हेलो ट्यून मिल जाएगा और WYNK पे आपको फ्री देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद रिचार्ज नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही रिचार्ज नाउ पर क्लिक करते हो तो कभी कभी 299 रुपये का इसलिए कर रहा है कि यहाँ पे कुछ और 2 GB आपको डाटा मिलेगा, लेकिन हम लोग को 2 GB डाटा नहीं चाहिए, हम लोग को कितना चाहिए, 1 GB ही चाहिए। तो कंटिन्यू विथ 265 रुपया पर क्लिक करना, अदरवाइज 299 का करना चाहते हो तो 299 पे भी कर सकते हो, बट मैं करूंगा 265 का ही, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट पेएबल आप देख सकते हो 265 रुपया, और गाइस यहाँ पे कैशबैक आपको कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एयरटेल मनी से अगर आप रिचार्ज करते हो तो गाइस यहाँ पे फ्लैट 50% का आपको कैशबैक यानी 40 रुपये का फर्स्ट पे आपको मिल जाएगा। तो गाइस आपको अप्लाई पर क्लिक करोगे प्रोसेसिंग लेगा और गाइस यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे 40 रुपीज का यहाँ पे आपको कैशबैक मिल जाएगा 50%। तो इस तरीके से किसी का मोबाइल रिचार्ज करके पैसे भी अर्न कर सकते हो अगर अर्न करना चाहो तो। तो गाइस यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे पे, यहाँ पे लिंक एंड पे वाले पे क्लिक करना है। अगर अभी तक आप यहाँ पे लिंक नहीं किए हो तो आपको लिंक कर देना है। और गाइस यहाँ पे अब आपको पे पर क्लिक करोगे तो UPI से क्लिक करना, अगर करना चाहते हो तो UPI ID एड कर देना है और UPI से भी आपको फ्लैट 20 रुपये का आपको कैशबैक मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से भाई अभी मुझे रिचार्ज नहीं करना, बस मैं आप लोगों को सैंपल दिखा रहा था। तो गाइस इसी तरीके से क्या कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर करके आप किसी के भी पैसे भी कमा सकते हो और इस तरीके से अपना UPI का पिन नंबर डालोगे तो आपका सक्सेसफुली आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। गाइस अभी तक आपको पता नहीं एयरटेल थैंक्स ऐप से कैसे रेफर करके पैसे कमाए जाते हैं या फ्लिपकार्ट से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, उस पर प्रॉपर वीडियोज बना दे जो कि लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार उन सब सारे वीडियोज को देखो। और आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो तो कमा सकते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा
लगा था इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नए और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।